नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का वीडियो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं वो है टॉन्सिलाइटिस के बारे में। लास्ट वीडियो जो था वो कॉमन कफ एंड कोल्ड के बारे में था, और ये इस वक्त पे ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं कि भाई देखिए, ऑल ओवर द इंडिया मोस्ट ऑफ द पार्ट में ठंड पड़ रही है, तो इसलिए मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इनके अंदर बताई गई दवाओं को वो अपनी ठंड से होने वाली समस्याओं पे यूज़ कर सकें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, टॉन्सिल्स क्या होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं, साइंस हैं, सिम्टम हैं, और सीधे सीधे इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। अब दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के अंदर। कि सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टॉन्सिल्स क्या होता है। टॉन्सिल्स जो रहती हैं वो लिम्फेटिक ग्लैंड होती हैं गले में, इस जगह पे, ठीक है ना। ये लिम्फेटिक ग्लैंड बॉडी के हर पार्ट में होती हैं, ये बात समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे होती हैं एक्जिलरी लिम्फ नोड, यहाँ पे एक्सटर्नल लिम्फ नोड, यहाँ पे जो रहती हैं वो होती हैं क्लेविकुलर लिम्फ नोड, यहाँ पे होती हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड, नीचे ग्रॉइन एरिया में इंग्वाइनल लिम्फ नोड, पेट के अंदर भी इंटेस्टाइन में लिम्फ नोड्स होती हैं जिनको बोलते हैं मेसेंटिक ग्लैंड्स। अब ये लिम्फ नोड्स करती क्या हैं? ये लिम्फ नोड के अंदर बी सेल, अगर आपने इम्यून सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी अगर आपको हो तो आपको पता होगा टी सेल्स और बी सेल्स के बारे में। तो ये जो लिम्फ नोड होती हैं ये बी सेल बनाती हैं, और जो बी सेल होते हैं अल्टीमेटली वो एंटीबॉडीज को बनाते हैं, ठीक है ना। तो लिम्फ नोड क्या बनाती है? बी सेल्स को बनाती हैं, और बी सेल्स बनाते हैं एंटीबॉडी। और वो जो एंटीबॉडी होती है वो जिस एरिया के लिम्फ नोड से निकलती है वो उतने एरिया के अंदर इम्यूनिटी को गार्ड करती है। इम्यून सिस्टम का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो एंटीबॉडीज होती है इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इसको आप एक ऐसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे एरिया होते हैं, मतलब जो हम बात कर रहे हैं अपने शहर के एरियोज के अंदर, तो अलग अलग एरिया के अंदर एक एक पुलिस चौकी होती है, या बहुत बड़ा एरिया होता है तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन होता है। तो वो पुलिस स्टेशन का और चौकी का क्या काम रहता है? उस चौकी का काम रहता है कि अपने क्षेत्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। उसी तरह से जो रीजनल लिम्फ नोड होती है उसका काम रहता है कि बी सेल के द्वारा एंटीबॉडीज को बनाना, और वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? उस रीजनल एरिए की गार्ड करती हैं, उसको गार्ड मतलब सुरक्षा प्रदान करती हैं इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। तो जो टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स वो लिम्फेटिक ग्लैंड हैं जो गले को, थ्रॉट को, थ्रॉट के रीजन को, लैरिंग्स, फेरिंग्स वगैरह इन सबको गार्ड करता है। तो वेन एवर वी हैव द थ्रॉट इन्फेक्शन, तो टॉन्सिलाइटिस का सीधा सा मतलब आइटिस जब भी लगता है, ये आम व्यूअर्स को ये बता रहा हूँ मैं कि जब भी आइटिस लगता है तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। तो जब भी टॉन्सिल्स बढ़ जाएंगे, और टॉन्सिल्स क्यों बढ़ेंगे? कि जब भी हमको थ्रॉट इन्फेक्शन होगा तो थ्रॉट इन्फेक्शन के अंदर उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बॉडी नेचुरली जो हमारे टॉन्सिल्स हैं उनको बड़ा कर देती है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन पैदा कर देती है, और तब ये कंडीशन जो होती है ये टॉन्सिलाइटिस के रूप में आती है। अब लोग टॉन्सिलाइटिस को कई बीमारियों से इंटरमिंगल कर जाते हैं, क्योंकि अब नॉलेज उनको है नहीं। भैया, बींग सिविलियन आपको नहीं होगा ना नॉलेज इस बारे में, तो वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है गला बैठना, लोगों का गला बैठ जाता है, आवाज़ बिल्कुल दब जाती है, वो बोल नहीं पाते, तो दैट इज़ लैरिंजाइटिस, दैट इज़ नॉट टॉन्सिलाइटिस। लोग बोलते हैं मेरे को टॉन्सिलाइटिस हो गया, हमारे पास ही लोग आते हैं टॉन्सिलाइटिस हो गया, हम पूछते हैं भाई क्या हो गया, वो बोल ही नहीं पा रहा, तो हम उनको क्लियर करते हैं दिस इज़ नॉट टॉन्सिलाइटिस, दिस इज़ लैरिंजाइटिस, ओके। उसी तरह से लोग सर्दी के अंदर जो स्क्रैपिंग सेंसेशन होता है थ्रॉट के अंदर, एक अनकम्फर्टेबलनेस, उसको भी कई बार लोग एज ए टॉन्सिलाइटिस के रूप में हमारे सामने लेके आते हैं, या भी हमको कहते हुए आते हैं कि सर मुझे लग रहा है आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम टॉन्सिलाइटिस। तो देखिए, वो भी टॉन्सिलाइटिस नहीं होता है, वो होती है कॉमन कफ एंड कोल्ड, कोराइजा की बात कर रहे होते हैं। टॉन्सिलाइटिस के जो सिम्टम्स होंगे वो बड़ा सिंपल से होंगे। क्या होंगे सिम्टम? कि आप एक सवेरे सो के उठेंगे और आपको थूक निगलने में पेन होने लगेगा। ये पेन बहुत ज़्यादा भी हो जाता है कई बार, कि
कि आपको, अब देखिए अपना सलाइवेशन हमेशा बनता रहता है, और जब सलाइवेशन बनता रहता है तो हम उस सलाइवा को निगलते रहते हैं, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, और ये सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली होता है, मतलब हम ये करते हैं पर हमें पता नहीं चलता। पर जब हमको टॉन्सिलाइटिस होगा तो ये हर बार थूक गुटकने पे हमको एक पेन होगा, कई बार ये पेन इतना ज़्यादा होता है कि सॉलिड फूड जो होते हैं उनको निगलने में परेशानी होती है। जब इन्फ्लेमेशन टॉन्सिलाइटिस में बहुत ज़्यादा हो जाता है गले के अंदर, तो इनफैक्ट पानी पीने में भी तकलीफ़ होती है, और कई बार अगर ये और ज़्यादा होता है तो प्लेन निगलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और टॉन्सिलाइटिस का एक और बहुत अच्छा मतलब एक सिम्टम है, वो ये है कि जब भी थूक निकलेगा तो अगर राइट साइडेड टॉन्सिलाइटिस है, राइट साइड में है, तो वो जो पेन होगा वो ईयर तक शूट होता है, जब भी वो निकलेगा तो एक चमक जैसी चलती है कान तक। तो दोस्तों ये होता है टॉन्सिलाइटिस। अब टॉन्सिलाइटिस क्यों हुआ भाई, गले के अंदर जो इन्फेक्शन था, जो थ्रॉट के अंदर जो इन्फेक्शन था, और इसको आम बोलचाल की भाषा में टॉन्सिलाइटिस के लिए जो शब्द यूज़ होता है, दैट इज़ द सोर थ्रॉट। ओके, तो जो इन्फेक्शन हुआ उस इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए टॉन्सिल्स एनलार्ज्ड हो जाते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा बी सेल बनाएंगे, और अगर ज़्यादा बी सेल बनाएंगे तो ज़्यादा एंटीबॉडीज बनेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए हैं कि अब टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। अब इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा ट्रीटमेंट बिना किसी बकवास के, टू मेडिसिन इन होम्योपैथी जो 90% केसेस में टॉन्सिलाइटिस को पूरी आबादी से ख़त्म कर सकती हैं, वो हैं पहली फाइटोलक्का डिकेंड्रा। ठीक है, ये आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है, चार चार गोली दिन भर में 3 बार। और जो दूसरी मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना हम दे रहे हैं इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होता है, पेन होती है, रेडनेस होती है, हीट लोग गले में बताते हैं, और बहुत ज़्यादा अंड्यूलेटिंग सेंसेशन। इनका मुंह खुलवा के टॉर्च मारते हैं तो उसके अंदर रेडनेस दिखती है गले में, स्पेशली ऑन द टॉन्सिल्स। तो दूसरी मेडिसिन हो गई बेलाडोना, वो भी 30 पोटेंसी में, चार चार गोली दिन भर में 3 बार। और ये दोनों मेडिसिन आपको 5 मिनट के अंतराल से एक साथ लेनी है, पहले एक लेंगे फिर 5 मिनट बाद दूसरी लेंगे, और ये चीज़ आप दिन भर में 3 बार रिपीट करेंगे तो दो से ढाई दिन में आपका टॉन्सिल जो है दैट विल गेट परफेक्टली वैनिश। तो दोस्तों बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।